नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इराक के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आईएसआईएस की तरफ से जिस तरीके की करतूतें की जा रही हैं, उससे पूरा मानवता जाति शर्मसार हो रही है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या किसी धर्म में इस तरीके का कृत्य करने की इजाजत दी गई है और क्या जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही साथ सवाल यह भी है कि इराक में इस इतने बुरे हालात आखिर किस कारण से हुए हैं और तमाम वो संगठन जो धर्मों को बचाने की बात करते हैं, आखिर अब वो कहां हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। वो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी है जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। वो तलवार के बल पर कराते हैं धर्मांतरण। आईएसआईएस का सबसे विभत्स चेहरा सामने आ गया है। इस्लाम में बलात् धर्मांतरण पर रोक है। इराक की यजीदी कौम के लोगों को मुसलमान बनाया गया। जिन्होंने बात नहीं मानी उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इराक में आईएसआईएस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आतंकी संगठन अब इराक में यजीदियों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए मजबूर कर रहा है। जो इनकी बात से इनकार करता है उसको सिर्फ एक सजा है, वो है मौत। ये खुलासा आईएसआईएल ने एक वीडियो में किया है। तस्वीरों में देखिए कैसे ये आतंकी जबरन लोगों को मजबूर कर रहा है, उन्हें डराकर एक जगह कैद किया हुआ है। तस्वीरों में कैसे ये आतंकी AK-47 बंदूक थामे अरबी भाषा में कह रहे हैं, हमने कई यजीदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इस्लाम कबूल करवाया है। वो सभी खुश हैं, जबकि इन लोगों के चेहरे पर आतंकियों का खौफ साफ जाहिर हो रहा है। लोगों को अपनी जिंदगी खो देने का डर है और इसी वजह से ये सब धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर आतंकी ने जान से मार देंगे और वो मौत भी कोई आसान नहीं बल्कि ऐसी दर्दनाक मौत होती है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। इससे पहले आईएसआईएस द्वारा अमेरिकी पत्रकार की हत्या की तस्वीर जारी की गई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस इस्लामिक संगठन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग तेज हुई थी। आईएसआईएस आतंकियों के आतंक से बचने के लिए यजीदियों ने पहाड़ों पर भी शरण ली थी। अंतर्राष्ट्रीय मदद के बावजूद कई यजीदी बच्चे व महिलाएं भूख प्यास से मर चुके हैं। आतंकी संगठन का कहना है कि पश्चिमी देशों से मिल रही मदद सिर्फ छलावा है। अगर यजीदी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो हम उन्हें सब कुछ देंगे। अभी आप लोग काफिर हो, जब आप मुस्लिम बन जाओगे तो आपको सारे अधिकार मिलेंगे। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल बनता है कि क्या इस तरीके के हालात पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या किसी धर्म में इस तरीके की इजाजत दी गई है कि इस तरीके के कृत्य को करके लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा सके। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आरबी शर्मा, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मुफ्ती इजाज साहब हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। डॉक्टर एस के दत्ता साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब आपके पास आना चाहता हूं। ये जो पूरा कृत्य सामने आ रहे हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, क्या किसी धर्म में इस तरीके की इजाजत दी गई है जो इतना जघन्य अपराध करके किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा सके? देखिए, इस सिलसिले में जरा तफसील से दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो यह कि जहां तक इस्लाम का नजरिया है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, वो ये बिल्कुल वाजह है कि इस्लाम में बिला कसूर किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की या मारने की, कत्ल करने की कतन इजाजत नहीं है। बल्कि कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी ने अगर नाहक किसी एक इंसान का अगर खून किया तो उसने पूरी इंसानियत का खून कर दिया। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो बिल्कुल, और जबरन भी बिल्कुल गुंजाइश इस्लाम में नहीं है कि किसी का धर्म परिवर्तन किया जाए, जोर जबरदस्ती किया जाए। दूसरी बात जो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा आईएसआईएस के ताल्लुक से, कि ये आईएसआईएस जब इसका आगाज हुआ, इसकी शुरुआत हुई, तो ये बहुत तेजी में ये आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त तो किसी की निगाह नहीं जा रही थी। उस वक्त तो अमेरिका ने डायरेक्टली ये कह दिया था कि जब ये हमारे ऊपर कोई हर्फ आएगा, हमारे ऊपर कोई आंच आएगा, तब जाकर के हम देखेंगे। उस मसले पर जाएंगे, अमेरिका कितना ज्यादा इसके पीछे है या फिर अमेरिका कितना कसूरवार है, उस पर भी मैं जाएंगे मुक्ति साहब। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी भी धर्म में, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई अन्य धर्म, अगर इस तरीके की इजाजत नहीं है
और अगर यहां पर मुस्लिम धर्म को इसलिए कैटेगराइज किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम धर्म में यहां पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो सवाल यह है कि जो तमाम देश है, जो मुस्लिम देश है, उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? क्यों जो एक बात मैं ये बढ़ाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यह कि इराक में 99% मुस्लिम है और जहां तक ये यजीदी है, ये यजीदी भी ऑलरेडी खुद को मुस्लिम ही कहते हैं, ये मुसलमानों से बाहर नहीं है, मुसलमानों ही में एक अलग से एक तबका है। तो कुछ नजरियाती जो है इख्तलाफ है, कुछ कुछ अलग इख्तलाफ है नजरियाती, तो अपने मुताबिक ये उनको ढालना चाहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है उसके अंदर। जहां तक यहां पर धर्म परिवर्तन या जोर जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, धर्म का तो कोई मामला ही नहीं है। इसके अलावा जो चीजें जो आई धर्म का पूरा मामला धर्म का ही बनता है, वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं जबरदस्ती, उन्हें मार रहे हैं। धर्म का मामला कैसे बनता है जब वो दूसरा धर्म है ही नहीं? यजीदी कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं है, वो खुद मुसलमान है, यजीदी खुद को मुसलमान कहते हैं, वहां 99% इराक में मुसलमान है, सबके सब लोग। अगर धर्म परिवर्तन का मामला उस वक्त आता है जब वो अमरीकी जर्नलिस्ट को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं। अगर मुफ्ती साहब सिर्फ अगर इतना ही मामला है, अगर धर्म परिवर्तन नहीं है, अगर वो खुद को इतना ही मुस्लिम धर्म के अंदर मानते हैं, तो उन लोगों ने अपनी जाने क्यों दे दी? क्यों उन्होंने अपना धर्म दूसरा धर्म स्वीकार क्यों नहीं किया? देखिए वहां पर एक इस तरीके से अभी वार चल रही है, एक लड़ाई चल रही है वहां पर, जो इस वक्त एक गवर्नमेंट है उसके की लड़ाई चल रही है, ISI इसकी जंग चल रही है। उस जंग में आप ये देखते होंगे कौन किसकी तरफ जा रहा है, कौन किसका साथ जा रहा है, कौन किसके खिलाफ बगावत कर रहा है, और उस पसे मंदर में वो एक दूसरे को कत्ल कर रहे होंगे, एक दूसरे को मार रहे होंगे। ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। आप इसको हम इस चीज से क्यों नहीं देखते हैं कि अगर ISIS इतने बड़े जालिम हैं और इस तरीके से नाहक खून कर रहे हैं, तो हमारे यहां जो अभी इतनी नर्सें वापस आई हैं, जो ISIS के पास थी नर्सें, वो नर्सों का क्या बयान है, वो क्या कह रही है यहां आकर के? वो कह रही है कि हमको इज्जत और सम्मान के साथ रखा गया, हमको बहुत ही मतलब इज्जत दी गई, हमारे उनका टारगेट, उनका टारगेट कौन है? तो उनका टारगेट कौन है? उनका टारगेट यजीदियों को टारगेट कर रहे हैं मुफ्ती साहब, वो यजीदियों को टारगेट कर रहे हैं लगातार, नहीं कर रहे। और टारगेट वो अपनी बालादस्ती कायम कर रहे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं, टारगेट किसी को नहीं कर रहे। अब उस गवर्नमेंट बनाने में कहीं पर कोई रुकावट आ रही होगी, उसको वो टारगेट कर रहे होंगे। वो तो उसके खिलाफ जो इस वक्त की वो मौजूदा गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ, पहले वो नूरी मालकी के खिलाफ लड़ रहे थे। दत्ता साहब बिल्कुल नहीं, मैं मुफ्ती साहब के बातों से हैरान हूं कि एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इनडायरेक्टली समर्थन दे रहे हैं। बर्बरता, तलवार और उसके साथ साथ कत्लेआम, इस ISIS का शुरू से लेके अभी तक इनका रणनीति में रहा है। केवल यहां पे एक समुदाय की बात नहीं है कि जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, इससे पहले भी ईसाई के लोग जो हैं इराक में, उन लोगों के साथ भी इस तरह का जबरदस्ती किया गया है और कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहां ईसाई धर्म के लोगों को भी कन्वर्ट किया गया है। हाँ, ये बेशक है कि पाके कुरान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कर सकते हो और ना ही आप उसकी इच्छा के बिना उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर सकते हो, पर दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि इतिहास को उठा के अगर आप देखेंगे, इतिहास में जो तलवार का एक तरह से जो मदद लिया गया है धर्म परिवर्तन के लिए, जिसपे बहुत ऐसे तानाशाह आए हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही, आप देख लीजिएगा इतिहास को उठा के देख लीजिए, बहुत ऐसे तानाशाह आए हैं जिन लोगों ने तलवार के बलबूते पे धर्म परिवर्तन करवाया है। बिल्कुल उस देश तो सवाल यही तो है, ये क्या, मतलब क्या, एक क्या, जो पहले हालात हम देखा करते थे, क्या ये वापस उसी तरीके के हालात सामने आ रहे हैं? सवाल ये भी है। आरबी शर्मा साहब, आपके पास आना चाहता हूं, यहां पर जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि इस तरीके के हालात जो हैं वो क्यों पैदा हुए हैं और जो ISIS कर रहा है वो कितना मानवतापूर्ण है? और सवाल ये भी है कि वो तमाम संगठन जो मानवता को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं, अब वो कहां है? नहीं, आपने जो बात की ना कि जो आज ISIS ने किया है या कर रहा है, उसका समर्थन तो किसी तरह से भी किसी धर्म के लोग, किसी समुदाय के लोग नहीं कर सकते। और हम भी ये मानते हैं कि इस्लाम धर्म जो अपने आप में एक पीस का धर्म है किताब के अनुसार, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल देखा गया है हर जगह पर, वो उसके बिल्कुल विपरीत है। और जो आज ISI कर रही है उसके बारे में तो खुद सऊदी अरेबिया के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने खुद कहा है कि वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, नंबर एक दुश्मन हैं।
और वास्तव में ऐसा जो उन्होंने चले चलेंगे दोबारा से चलेंगे आरबी शर्मा साहब के पास, लेकिन मुफ्ती साहब खलीफा बनने की बात कई बार सामने आई है कि आईएसआईएस के जो कमांडर हैं वो खुद को खलीफा साबित करना चाहते हैं। अगर खलीफा साबित करना है तो इस तरीके से किया जाएगा? नहीं देखिए, मैं तो क्लियर कहता हूं कि जैसे अभी सबसे पहले मैं दत्ता साहब की बात जो बिल्कुल तारीख के बरखिलाफ ये कह रहे हैं कि इस्लाम में तलवार का रोल रहा है, इसमें तारीख को ये थोड़ा कंपेरेटिवली स्टडी करें तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा इस्लामिक हिस्ट्री में कि कभी भी तलवार का बहुत ज्यादा औरंगजेब का उदाहरण क्या दीजिए, हुमायूं का उदाहरण देते हैं, औरंगजेब का उदाहरण क्या दीजिए, बताइए एक सिंगल उदाहरण दीजिए ना नाम लेकर के, अलाउद्दीन खिलजी का उदाहरण देते हैं, जलालुद्दीन खिलजी का उदाहरण देते हैं, सैकड़ों ऐसे महमूदनामा पे चले जाइएगा, महमूदनामा को आप पढ़ लीजिएगा, नाम ले लेते महमूदनामा को पढ़ लीजिए, मैं इतिहास का छात्र हूँ, मुझे मालूम है क्या हुआ है, मुझे मालूम है क्या हुआ है, इतिहास में क्या हुआ है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, महमूदनामा को पढ़ लीजिएगा, मोहम्मद गोरी के उसको पढ़ लीजिएगा, फिरदौसी ने जो लिखा था वहाँ पर सरेआम कहा गया था, तैमूर लाइन ने क्या किया था दिल्ली में आके, बोल देने से नहीं होगा, ये इतिहास में प्रमाणित प्रमाण के साथ है, पुख्ता सबूत के साथ है, ये सारी चीजें एक भी तैमूर लाइन ने खुद अपने मेमोरियल्स में लिखा है, बाबर ने खुद लिखा है चीजें, बाबर नामा पे उल्लेख है इन सब चीजों का, बता दीजिए उल्लेख है इन सब चीजों का, शायद आप नहीं पढ़े हैं इन सब चीजों को, मैं एक बार नहीं 100 बार पढ़ चुका हूँ, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं तो आपके आपके जितने सारे महान लोग हैं जिन लोगों ने लिखा है, फिरदौसी का कैसे आप इनकार कर देंगे, महमूदनामा के बारे में कैसे आप इनकार कर सकते हैं, आप वाकई उन्होंने उन्होंने पूरा नैरेशन दिया है, मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, ठीक है दत्ता साहब, ठीक है मुफ्ती साहब, मैं जवाब चाहता हूं, जो मैंने साहब से सवाल पूछा कि क्या ये जो हालात हैं इनके लिए आईएसआईएस में या इराक के हालात को हमें समझना होगा, इराक में इस वक्त जो है ना अपने इसके एक तरीके से आजादी की लड़ाई चल रही है, आज की किससे आजाद होना है, किससे आजाद होना है, किससे, वहां पर अमरीका से आजाद होना है, और किससे आजाद होना, वहां पर लोकतांत्रिक सरकार गठित की गई है, अमरीका बैठे हुए हैं वहां पर, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया पे आके हमला करके इंडिया में बैठ जाती है, उसके खिलाफ अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो क्या हम आतंकवाद, क्या गांधी जी आतंकवाद थे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाले, मुफ्ती साहब अमेरिका के खिलाफ अगर वो लड़ रहे हैं तो वो आतंकवाद हो गए, मुफ्ती साहब वहां से अमेरिकी सेना हटा ली गई है, वहां से अमेरिकी सेना नहीं है, और उसके बाद इराक की तरफ से फिर दोबारा से अमेरिका से अब वहां से दोबारा मदद मांगी जा रही है, सब वही है, सारे अमेरिकी फौजी सब इराक में बैठे हुए हैं, सब कुवैत में बैठे हुए हैं, कोई कहीं नहीं हटाई गई है, और अगर ये इतने बड़े खूनखार आतंकी थे और इतने बड़े खूनखार हैं तो आप ये क्यों नहीं देखते, अमेरिकी फौजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए थी, हिंदुस्तानी नर्सों को जो रवाना किया, कितने आत्म और सम्मान के साथ रवाना किया है, क्यों नहीं देख रहे हैं, मुफ्ती साहब फिर लड़ाई अमेरिका से आतंकवाद हो जाते हैं, अमेरिका से लड़ाई होनी चाहिए ना, ये तो सिया सुन्नी के बीच में लड़ाई चल रही है, यजीदियों से लड़ाई चल रही है, अमेरिका को बीच में कहां लाया जा रहा है, एक अमेरिकी पत्रकार की नृशंस हत्या इसलिए कर दी जाती है कि अमेरिका वहां हस्तक्षेप कर रहा है, ना अमेरिका बमबारी करना शुरू कर दिया तो क्यों नहीं, अमेरिकी मफाद जो इंटरेस्ट होगा उसको तो वो करेगा, मेरा कहना है वो तो डायरेक्टली अमेरिका से लड़ाई, मेरा कहना है कि इराक पे क्यों जा रहे हो, पूरे दक्षिण एशिया में आप देख लो, आजादी के बाद बंटवारे के बाद ठीक है ईस्ट पाकिस्तान में 38% के आसपास हिंदू कौम थी और आज वो जाके 9% के आसपास हो गया है, कैसे हुआ है ये चीज, पाकिस्तान में आप सरेआम देखिए किस हिसाब से जब किस हिसाब से लड़कियों को उठाया जाता है, हिंदू लड़कियों को, और किस तरह से फिर कन्वर्ट किया जाता है, तालिबान ने अफगानिस्तान में क्या किया है सिखों के साथ और हिंदुओं के साथ वहां पे, ये जो दहशतगर्द है उनको समर्थन मत दीजिएगा, और उनका कोई मजहबी रंग नहीं होता है, जो आतंकवादी संगठन है उनका कोई मजहबी रंग नहीं होता है, वो आपके धर्म के विरोध बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, और आपके बातों से लग रहा है कि आप समर्थन दे रहे हैं, आपके बातों से लग रहा है सच्चाई, तालिबान ने जो कुछ किया है अफगानिस्तान पे उसको कैसे आप इनकार कर देंगे, तालिबान का वो घर है अपना घर वहां पे, सिखों के साथ क्या किया है, हिंदुओं के साथ क्या किया है तालिबान ने, वहां से क्यों पलायन करके भारत में क्यों आए सिख, वहां से छोड़ के हिंदू क्यों वहां से आगे लड़ाई होगी, खाना क्यों क्यों चल के आगे, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता है, सच्चाई नहीं होता है कोई, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून मानता है कि आईएसआईएस एक अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
हर कोई मानता ही मानते हैं इस चीज को, इस चीज को इंकार किया नहीं। संयुक्त राष्ट्र खुद मानती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात नहीं है, संयुक्त राष्ट्र खुद मानती है इस चीज को। मुफ्ती साहब, ये तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी कहा गया है और तमाम देश इस चीज को अपनी तरफ से सहमत हो चुके हैं कि आईएसआईएस जो है वो एक आतंकी संगठन है। तालिबान को क्या कहा गया, आप मानते हैं? देखिए, ये मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। आईएसआईएस अगर वहां पर गलत कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, दाहक किसी को मार रहे हैं, तो वो इस्लामी संगठन नहीं हो सकते। एक इस्लामी संगठन वही होगा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा। कुरान में जब डायरेक्टली कहा गया है कि बेगला कसूर नाहक किसी का कत्ल कर ही नहीं सकते, तो वो अगर कत्ल करते हैं तो इस्लामी संगठन कैसे हो सकते। इस मामले में हम नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ यहां पर यह कर रहे हैं कि हमें इराक में जिस तरीके से इस वक्त खाना जंगी चल रही है, जिस तरीके से दूसरे मुल्क आकर के वहां पर तेल पर कब्जा कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर आपस पर लड़ा करके और अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, उन तथ्यों को, उन सच्चाइयों को भी हमें समझना होगा। शिया सुन्नी लड़ाई कराने वाला इस वक्त कौन है वहां पर, इन सच्चाइयों को भी समझना होगा। साहब, वो ठीक है, वो जो आप बात कह रहे हैं वो उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इराक से अमेरिकी सेना हटा ली गई थी, अब दोबारा से अमेरिकी सेना वहां पर आई है। दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए ना, शिया सुन्नी के बीच में लड़ाई चल रही है, यजीदियों को मारा जा रहा है, निरसन हत्याएं की जा रही है, सारी दुनिया के सामने वीडियो आ रहे हैं बार बार। नहीं, वहां पर रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ाई उसकी चल रही है, जो गवर्नमेंट है वहां पर उसके खिलाफ। उसके बाद जब अमेरिका हस्तक्षेप किया, गवर्नमेंट है वहां पर नूरी मालिकी की थी, मालिकी के खिलाफ वो लड़ाई कर रहे हैं। वो कौन है? नूरी मालिकी को वहां के लोग जो है उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार कैसे बनी? लोकतांत्रिक सरकार तो मिस्र में मुर्सी की। आरबी शर्मा साहब से पूछ लेते हैं, हालात यही है आरबी शर्मा साहब? मैं बिल्कुल, हालात आप ठीक कह रहे हैं और मुफ्ती साहब आप बहुत दुरुस्त नहीं है अपनी पोजीशन पे। आपको सीधे सीधे एक आपको ये मान लेना चाहिए, आपको ये मान लेना चाहिए कि इसके पीछे धर्म का बहुत बड़ा हाथ है और ये शिया और सुन्नी का बहुत बड़ा झगड़ा है और उस बड़े हाथ का अगर अमेरिका कोई किसी किस्म का लाभ उठा रहा है तो ये मैं आपको कहूंगा। तो आप जैसे स्कॉलरों को कि आप इसकी बिल्कुल मुखालफत करें और इस किस्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल ना करें। इजाज साहब, इस चीज और ये लोग क्यों नहीं होनी चाहिए कि जो हालात वहां पर पैदा कर दिए गए हैं, अमेरिका का आप बार बार नाम ले रहे हैं कि अमेरिका ने जो हालात वहां पर पैदा किए हैं, ठीक है, उस पर भी मैं प्रतिक्रिया अपने मेहमानों से जरूर लूंगा, आपसे भी लूंगा, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को जिंदा दफना देना, उनकी निर्शस्त हत्याएं कर देना, उनकी वीडियोस लोग पूरी दुनिया को दिखाना, ये क्या है? ये मानवता है? लोगों के अंदर ये कौन सी दहशत पैदा की जा रही है? लोगों के खिलाफ एक मैसेज दिया जाता है जिसे इंटरनेट पर भी अपलोड किया जाता है कि आप लोग इराक आइए और यहां आकर आप लोग सहायता कीजिए आईएसआईएस की, एक कौन से धर्म में लिखा हुआ है? इसकी क्यों नहीं इसकी पूरी तरीके से निंदा होनी चाहिए? देखिए, अगर सच्चाई है जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर नहीं, बिल्कुल इजाज साहब, अगर ये सच्चाई, हम सच्चाई है, ये नहीं हम कबूल कर रहे हैं, हमारे सामने ये तथ्य नहीं है, अभी आया है, हम नहीं देख रहे। लगातार वो वीडियो जारी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। अमेरिकी पत्रकार की गर्दन किस तरीके से काटी गई, ये तथ्य सबके सामने है, लोगों को कैसे जिंदा दफनाया गया, बच्चों को मारा जा रहा है, लगातार खड़े करके गोलियां मार दी गई हैं, हजारों लोगों को दफना दिया गया है। अगर वो खिलाफत कायम करना चाह रहे हैं, इस्लामी कानून वहां नाफिज करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते, हमें यकीन है कि ऐसा नहीं कर सकते वो। इसलिए अगर वो कर रहे हैं ऐसा, अगर वो कर रहा है, मैं मानता हूं कि अगर उसने ऐसा किया होगा तो गलत किया होगा, लेकिन ये सच्चाई है जो कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, तोड़ मरोड़ के जो हमारे सामने जो वाक्य आ रहा है। और देखिए, वही आप अपनी बात रखिए, ठीक है इजाज साहब, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं बार बार ये पूछ रहा हूं, इसमें अगर का सवाल कहां से आ रहा है? अगर का सवाल इसलिए नहीं आना चाहिए, वो तमाम तथ्य खुद उन आतंकियों की तरफ से जो उन संगठनों के हैं उनकी तरफ से सामने रखे गए हैं, पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या फिर जो ऐसे संगठन हैं जो धर्मों को बचाने की कवायद करते हैं, उनमें कोई भी संगठन हो सकता है, उन लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आ रहे हैं? इसे मानवता की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या? अगर का सवाल आप क्यों उठा रहे हैं? अगर का सवाल मैं इसलिए उठाता हूं कि जो भी क्लिपिंग आ रही है उस क्लिपिंग की सच्चाई पर हमें शक है कि
कि वो क्लिपिंग सही है या गलत है, उसकी वजह है, उसकी वजह मैं इसलिए बताता हूं कि जो लोग वहां विजिट करके आ रहे हैं, जो लोग वहां देख करके आ रहे हैं वो इसके बरक्स बताते हैं। यहां तक के जो लोग उन्हें इनके अंदर रहे हैं जिसको इन्होंने किडनेप किया है, तो उसको उसके साथ क्या सलूक इनका रहा, और वो मैं बार बार मिसाल देता हूं कि उसको आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि यहां की जो केरला की नर्सें जो इनके गिरफ्त में थी, इनकी पकड़ में थी, वो आई तो उनके क्या स्टेटमेंट है कि किस तरीके से क्या स्टेटमेंट थे उनके, उनके स्टेटमेंट डायरेक्टली थे कि हमारे साथ मेहमानों जैसा सलूक किया गया, हमारी इज्जत और आबरू का ख्याल रखा गया, हमें हर तरीके से कैद रखा गया, ये उन्होंने खुद कहा, कैद नहीं उनको, उनको कैद में रखा गया, उनको अगर हालात इतने अच्छे थे, नहीं अगर हालात इतने अच्छे थे तो इराकी नर्स वापस क्यों आई, उनको ये डर था, खाना जंगी उनको डर था, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको डर था, इसीलिए सवाल यही है कि हालात इतने बदतर बना दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां सही तरीके से नहीं रह सकता है जाज साहब, यही सवाल है। अगर इतने हालात बेहतर थे, अगर वो आपको अपने आप को इतनी सेफ महसूस कर रही थी तो भारत का रुख क्यों किया गया, उनमें ज्यादातर नर्सों की ये हालत थी, उन्होंने ये कहा कि कभी भी वो इराक का रुख नहीं करेंगी, उनकी तरफ से ये कहा गया है, भारत सरकार को बार बार गुहार लगाया गया था कि किसी तरह से हम लोगों को एक सिंगल नर्स, मैं कहता हूँ एक सिंगल नर्स ये कहलवा दीजिए कि उसके साथ कोई बदतमीजी हुई है, जाज साहब वो रोती हुई दिखाई गई हैं, वहाँ के हालात बदतर दिखाए हैं, उन्होंने खुद ये कहा कि वापस नहीं जाना चाहती, ये देखिए ना कि जहाँ भी खाना जंगी होगी दो ग्रुप में लड़ाई होगी, और ये सिर्फ रजीदियों की बात नहीं है, ये सिर्फ रजीदियों की बात नहीं है, जिस तरीके से दत्ता साहब ने कहा कि वहाँ पर ईसाइयों के साथ भी इसी तरीके का सलूक किया गया, ईसाइयों का कब्र मिला है वहाँ पे, और यहूदियों की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पे ईसाइयों को जिस हिसाब से मार के वो कर दिया गया है, और पता नहीं मास ग्रेव्स मिला है, ये केवल पश्चिमी रिपोर्ट पे आधारित नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में आया है, दुनिया भर के तमाम अखबारों में आया है, अल जज़ीरा ने दिखाया है बाकायदा ये सब वीडियो, ये नहीं है, अल जज़ीरा ने बाकायदा वीडियोस दिखाया है इन सब चीजों का, जिस तरह से वहां के ईसाई लोगों को जिस तरह से भगाया गया है वहां से, और सीधा और दो ही ऑप्शन दिया गया है, या तो इस्लाम कबूल करो या तो यहां से निकलो, और जो लोग निकल नहीं पाए उन लोगों को सरेआम वहां पे दफना दिया गया है, ये कैसे आईएसआई के मारा है, आईएसआई के लोगों ने कहा है जारी किए बाकायदा वीडियोस में उन लोगों ने कबूल किया है, ये बात को वहां के जितने सारे वार गोरिल्ला वारफेयर में और जितने सारे वारफेयर के तो 2000 जनरल से उन लोगों ने बाकायदा कहा है ये सब बातें, इराक में तो 92 से लड़ाई चल रही है और आईएसआई का वजूद कब से है, ठीक है ठीक है, वापस आएंगे अपने मसले में, मुझे एक ब्रेक यहां पर लेना है, लेकिन सवाल यही बनता है इसे कौन सी मानवता के संदर्भ में देखा जाए, और सवाल ये भी है कि अब क्या पूरे विश्व को जागने की जरूरत है, चर्चा पर बने हुए हैं, तुरंत लौटते हैं। इराक में मानवता के खिलाफ और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए आईएस लगातार यजीदियों पर अत्याचार कर रहा है, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया जा रहा है, लेकिन आखिर यजीदी हैं कौन, आईएस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कौन है इराक के यजीदी, क्या है उनकी मान्यताएं, आईएसआईएस ने किया यजीदियों का नरसंहार। यजीदी दुनिया के सबसे पुराने धर्म को मानने वाले हैं, जिसे यजदान कहते हैं। यजीदी को इंसानियत से निकले इस्लामिक युग के प्रारंभिक पंथ से जोड़कर देखा जाता है। इनकी धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं, जिसके कारण यजीदियों को अक्सर गलत ढंग से शैतान के उपासक कह दिया जाता है। पारंपरिक रूप से यजीदी उत्तर पश्चिमी इराक, उत्तर पश्चिमी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में छोटे छोटे समुदायों में रहते हैं। इनकी मौजूदा जनसंख्या का सही अनुमान लगाना भी मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या 70,000 से लेकर 5,00,000 तक बताई जाती है। अपमान, उत्पीड़न और डराए जाने से पिछले एक सदी में इनकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दे कि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करके यजीदी नहीं बन सकता, सिर्फ इसी धर्म में पैदा होकर ही यजीदी बना जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यजीदियों पर उनके नाम यजीदी से फैली गलतफहमी की वजह से, तो वहीं पर आईएसआईएस जैसे चरमपंथी समूहों को लगता है कि यह धर्म
उमैद राजवंश के दूसरे खलीफा और मुसलमानों में बेहद अलोकप्रिय शासक यजीद इब्न मुआविया से निकला है। हालांकि रिसर्च से पता चलता है कि यजीदियों का यजीद या ईरानी शहर यद से कोई लेना देना नहीं, उनका संबंध फारसी भाषा के इजीद से है जिसके मायने फरिश्ते हैं। इजीदिश के मायने हैं देवता के उपासक और यजीदी भी खुद को यही कहते हैं। यजीदियों की कई मान्यताएं इंसानियत से मिलती जुलती हैं। यजीदी अपने ईश्वर को यजदान कहते हैं। उन्हें वो अपने धर्म में इतना ऊपर मानते हैं कि उनकी सीधे उपासना भी नहीं करते। उन्हें वो सृष्टि का रचयिता तो मानते हैं लेकिन रखवाला नहीं। यजदान से सात महान आत्माएं निकली हैं। यजीदी धर्म परिवर्तन नहीं करते। यजीदी के लिए धर्म निकालना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऐसा होने पर उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए उनमें धर्म परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो यजीदियों पर लगातार कहर आईएसआईएस बरपा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यजीदियों को आखिर कैसे बचाया जाएगा। और सवाल यह भी है कि जिस तरीके से यह धर्मांतरण किया जा रहा है, दुनिया इस पर आखिर क्यों आंखें मूंदे बैठी हुई है। सवाल यह है दत्ता साहब कि अब एक्शन कैसे लिया जाएगा, हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, यजीदियों को अगर बचाया जाए तो बचाया जाए कैसे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से अफगानिस्तान का हालत बहुत खराब हो गया था तालिबान के शासन आने के बाद, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जिस तरह से लामबंद हुआ था तालिबान के शासन को उखाड़ के फेंकने के लिए, और जिसपे काफी हद तक कामयाब रहे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी लामबंद होने के चलते, और आतंकवाद के विरोध में जो जंग लड़ा गया है और अभी भी चल रहा है, ऐसे किसी प्रयास की आवश्यकता है जहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग और खास करके मिडिल ईस्ट के तमाम जितने सारे देश हैं जो आईएसआईएस के खतरे से काफी ज्यादा वाकिफ है, और उनको भी लगता है कि वहां पे जिस तरह का परिस्थिति बन रहा है वो खतरनाक रूप पश्चिम एशिया में अपना सकता है, और बहुत ऐसे सेकुलर देश हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो तुर्की कही है या फिर ओमान कही है या फिर यमन कही है, जो मोटे तौर पे लेबनन कही है, मोटे तौर पे सेकुलर देश है। हालांकि वो लोग भी इस्लामिक देश है पर बहुत ही लिबरल और सेकुलर देश है। तो ऐसे लोगों को और ऐसे देशों को लेके एक जंग लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह के बर्बरतापूर्ण जो चीज कर रहे आईएसआईएस वहां पे, वो किसी भी मानवता के परिभाषा में या फिर किसी मानवता के डेफिनेशन में नहीं आता है। और अभी अगर इनको नहीं रोका गया तो ये अलकायदा जैसा रूप अपना तैयार कर सकते हैं, और बहुत बड़ा नरसंहार पूरे प्रांत में हो सकता है जो पूरे दुनिया में फैल सकता है। और ये तालिबान से भी और कट्टर संगठन है ये, और ये मॉडर्न इथोस के लिए और डेमोक्रेटिक राइट्स और सेकुलर इथोस के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है ऐसे संस्थाओं का रहना। और मैं मानता हूं कि ये केवल अमेरिका और इस्लाम के विरोध जो एक जंग के हिसाब से जो पेश किया जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है, बिल्कुल ये उतना नहीं है नहीं, और वो उचित भी नहीं होगा। बिल्कुल वो उचित भी नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देखा जा सकता कि इस्लाम और अमेरिका की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर इजाज़ साहब आपकी टिप्पणी चाहता हूँ इस पर। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने तालिबान के हवाले से बात की, मैं एक मिनट में सिर्फ अपनी बात रखूंगा। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, लास्ट ईयर जो है ना अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अफगान स्टडीज की एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ काबुल में, और इंडिया के से मैं खुद गया था वहाँ, जहां तक ये कह रहे हैं कि नाटो फौज और इन लोगों ने मिलकर के वहां तालिबान को खत्म कर दिया और एक डेमोक्रेटिक सेटअप बना दिया और सब कुछ कर दिया। मैं एग्जांपल देता हूं, आज भी कोई भी जर्नलिस्ट वहां जाता है अफगानिस्तान में, तो इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर कहीं से भी रिसर्च कर ले, 95% पर जो है तालिबान का कब्जा है, और अमरीकन की नाटो फौज जो है सिर्फ एयरपोर्ट के हिस्से तक में लिमिट होकर के रह गई है। यहां तक कि एक नाटो की फौज अगर आर्मी रोड पर चलती है तो वापस बुला ली गई है। जहाज साहब फौज नहीं, आज भी फौज है, कैसे कह रहे हैं कि वापस बुला ले, पूरा वापस बुला ली गई है। वहां पर ड्रोन हमले लगातार होते रहे हैं, नहीं अब उसके बाद तालिबान अगर कब्जा कर लेता है, सारी फौजें जो है अमेरिका की नाटो की फौजें अभी भी पड़ी हुई है, नहीं बुलाई गई है, कुछ फौजें कम कर दी गई है ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुला ली गई है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नाटो फौज कहीं जाकर के किसी मुल्क पर कब्जा करके और अपने मतलब के अपने किसी एजेंट को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना करके डाल दे, ये भी कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होता है। यही उन्होंने तालिबान डेमोक्रेटिक सेटअप था क्या? तालिबान डेमोक्रेटिक सेटअप था? तालिबान डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, लेकिन क्या वो आकर के और वो अपने एक आदमी को बिठा ले ला करके ये डेमोक्रेटिक अमेरिका जाकर के बिठा ले तो तालिबान डेमोक्रेटिक था? क्या वो इराक अमेरिका अमेरिका नूरी अल मालकी को बिठा दिया तो डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया? तो तालिबान के वर्किंग एरिया से आप सहमत थे? 95% वर्किंग एरिया है उसका,
वहां पर वर्किंग एरिया तालिबान का है या नहीं है। मैं ये कहना जो सेटअप तालिबान ने लगाया या जिस तरीके की हरकतें तालिबान की तरफ से या अब आईएसआईएस की तरफ से की जा रही हैं, आप सहमत हैं उस तरीके से? मैं ये इनके बात का ये जवाब देना चाह रहा हूं, क्या लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होना चाहिए? नाटो कामयाब नहीं हुए उस काम उसमें जो है। मैंने कहा कि नाटो कामयाब हुए इस तरीके का होना चाहिए, शायद समझ ही नहीं पाए कि होना चाहिए इस तरीके का। मैंने क्या कहा आपको ये पता नहीं कि आप ऑलरेडी नाटो हमें आए नहीं पाए जो मैंने कहा हमें आइए आइए कामयाब नहीं करना है। इसे अगर सुनेंगे तो समझ भी लेंगे चीजों को। आप मैंने कहा कि तालिबान जैसा राक्षसी शासन को अगर उखाड़ के फेंकना है तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को लामबंद होना चाहिए। अफगानिस्तान में आज भी जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लोग जो जंग लड़ रहे आज भी कामयाब नहीं हो पाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे तालिबान का शासन है। वहां आज के डेट में नहीं है, वहां पे एक बाकायदा इंडिपेंडेंट सरकार है अफगानिस्तान में। ये जरूर है कि पूरा अफगानिस्तान को लिबरेट नहीं किया गया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहां पे अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहां पे तालिबान अभी भी हावी है। और मैं समझता हूं कि आपके धर्म भी इस्लाम में भी कहीं पर भी जगह नहीं है दहशतगर्दी के लिए। तालिबान ने जो कुछ किया था, जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया था, बामियान के स्तूपों को जिस हिसाब से तोड़ा गया था, उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी अगर लामबंद होती है, इकट्ठा होती है तालिबान जैसे राक्षसी शासन को खत्म करने के लिए, तो वो बिल्कुल जायज है। ढाकेश्वरी मंदिर में 1.5 महीने पहले जो आक्रमण हुआ है और वहां पे जो मूर्ति को तोड़ा गया है वो भी जायज नहीं है। कराची में अभी जो मंदिर तोड़ा गया है कराची में वो भी जायज नहीं है। एक एक करके पूरी बात दहशतगर्दी ठीक है जा सब एक मिनट दादा साहब जिस हिसाब से आप एडवोकेट कर रहे चीजों को मुझे लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं पे पेट्रोलाइज कर रहे हैं। ठीक है इजाज साहब की टिप्पणी लेते हैं। इजाज साहब ठीक है। कोई अगर मस्जिदों को भी तोड़ता है वो भी गुनाह है, कोई अगर ईसाई घर को भी तोड़ता है वो भी गुनाह है, पर आप जस्टिफाई मत कीजिएगा। बामियान में जो कुछ हुआ था उसको जस्टिफाई मत। दत्ता साहब जवाब ले लेते हैं। इजाज जी बोलिए। देखिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आईएसआईएस इसका वजूद किस पस मंजर में हुआ, वहां पर सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, कहां से हुआ, कहां से शुरुआत हुई। साहब वहां जाने की जरूरत नहीं है, सवाल ये है कि अब जो परिस्थितियां बनी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप ये कह रहे हैं कि तालिबान के, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने वहां पर जो है एक विदेशी लाकर बैठा दी सरकार। सवाल ये है कि तालिबान क्या कर रहा था, तालिबान के जो हालात है क्या उसे लोकतांत्रिक कहा जाएगा। सवाल ये है आईएसआईएस के जो हालात है क्या वो लोकतांत्रिक है। किसी के देश में घुस करके और अपना आदमी वहां पर ले जाकर के बिठाल दे, उसने सद्दाम हुसैन के साथ क्यों ऐसी हरकत की? आपने क्यों नहीं सद्दाम अमेरिका को उस वक्त टेररिस्ट कहा? क्या वहां पर जो वहां पर वोटिंग अमेरिका ने कराई उसके बाद नूरी मालकी को बिठाल दिया? नूरी मालकी एक मतलब उसके खिलाफ खुद वहां का जो शिया धर्म गुरु है सिस्तानी, उसने खुद कह दिया है कि ये करप्ट आदमी है, इसको उखाड़ फेंको। उसने खुद शिया धर्म गुरु ने नूरी मालकी के खिलाफ किया दिया। नहीं आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान और आईएसआईएस ठीक कर रहे हैं? आप ये कहिए। ये ठीक नहीं है, ये पब्लिक रेवोल्यूशन है। ये पब्लिक रेवोल्यूशन नहीं है, वहां के लोगों को मारा जा रहा है। गलत कह रहे हैं आप। अगर वहां की रूलिंग पार्टी के जरिए से अगर लोग मर रहे हैं तो उसको आप नहीं देख रहे हैं। ठीक है। आरबी शर्मा साहब के पास चलते हैं। ठीक है। ये पब्लिक रिवॉल्यूशन है आरबी शर्मा साहब। हाँ मेरी इसे पब्लिक रिवॉल्यूशन कहा जाएगा? बात सुने, ये पब्लिक रिवॉल्यूशन नहीं है बल्कि ये आईएसआईएस और जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ एक इंटरनेशनल मुहिम शुरू हो चुकी है। और ये जो उनको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं ये उनका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और बहुत जल्दी और अभी ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। बेशक यजीदी जो है वो थोड़े हैं संख्या में, लेकिन अब भी संसार में लोगों को उनकी मान्यता है।
और ये बात इनको ध्यान में रखनी चाहिए जो इन लोगों की मुखालफत नहीं कर रहे हैं कि इनके दिन इन्हें गिने रह गए हैं और बहुत जल्दी ही आईएसआई को कंटेन किया जाएगा और इनको खत्म किया जाएगा। देखिए वहां पर तो खत्म होना ही है उनको, इसलिए जाहिर है कि अमेरिका आ गया है, अमेरिका बमबारी कर रहा है, अमेरिका के सामने कहां टिक पाएगा वो, तो खत्म होना ही है उसको। नहीं, अगर वो गलत कर रहा है लामबंदी हो चुकी है, नहीं होना चाहिए। ये देखिए कि अमेरिका बमबारी जो बर्बरिज्म होगा, अमेरिकी बमबारी में जो वहां के मासूम बच्चे मरेंगे, वहां की औरतें मरेंगी, आईएसआईएस क्या कर रहा है जाट साहब, किस हद तक कंडम जाट साहब, आईएसआईएस क्या कर रहा है? अगर अमेरिका वहां पर बम बरसाता है, वहां के आईएसआईएस के लड़ाकों को मारा जाता है, तो आईएसआईएस अगर तलवार से मरेंगे तो वो मासूम अगर मारा जाता है, तो अमेरिका की तरफ से अगर बमबारी की जाती है तो आईएस क्या कर रहा है? वो तो कम से कम नागरिकों को पकड़ पकड़ आईएसआई के तलवार से लोग ज्यादा मरते नहीं है क्या इजाज साहब? अरे इनोसेंट अगर अमरीकी बमबारी से मरते उसको आप क्या कहेंगे? तो ये भी तो बताया ना, क्या कहना चाहते हैं इजाज साहब? आईएसआईएस ठीक कर रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएसआईएस अगर गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, काटे जा रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? लेकिन ये सीरिया में, ये सीरिया से ये पैदा हुआ, ये लोग सीरिया से, ये जो है ये सिर्फ इराक में, आप गलत आदमी को गलत क्यों नहीं कहते हैं? ये सीरिया में है और इराक में है, बशार ने वहां किस तरीके से अमेरिका को भी गलत कहेंगे? ठीक है, जो गलत है उसे गलत कहा जाना चाहिए। आरबी शर्मा साहब, वापस आऊंगा आपके पास, सवाल ये है। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक है, वापस आऊंगा। अगर अगर उसको गलत कहेंगे तो लोग, अगर इजाज साहब मोटे मोटे शब्दों में, मोटे मोटे शब्दों में, ज्यादा बारीकी की, ज्यादा बारीकी के अंदर नहीं जाते हैं, सिर्फ मोटे मोटे शब्दों में बात करते हैं। आईएसआईएस और तालिबान गलत कर रहे हैं या नहीं? नजरिया अमेरिका का और आईएसआईएस का एक है या नहीं, इस पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत है, गलत कर रहे हैं या नहीं वाली नहीं, नहीं, जब तक हमारे सामने गलत और सही करने, जब तक दुनिया की कोई जुडिशियरी उसको दहशतगर्द साबित नहीं कर देगी, उस वक्त हम कैसे उसको दहशतगर्द मान लेंगे? अगर बशार असद के खिलाफ आईएसआईएस गए, जिसने 10 लाख दहशतगर्द, अगर बशार असद के खिलाफ ये आईएसआईएस आए हैं, कौन लगाएगा जा साहब? आप हम और वो तमाम लोग जो मानवता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुहर वो लगाएंगे या आईएसआईएस खुद लगाएगा? क्या हाफिज बशार असद जो है वो क्या 10 लाख इस वक्त इनोसेंट लोगों को सीरिया में नहीं मार चुका है? उसके खिलाफ अगर आईएसआई मैं फिर कह रहा हूं, हम बारीकी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूं। हुई है ना, ये सीरिया ही के तो लोग हैं ना, सिर्फ इराक के लोग नहीं है, इराक और सीरिया दोनों को मिला करके बनाए हैं ये लोग। मैं बारीकी की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो इराक का मसला है वो बहुत पेचीदा है। ठीक, हम दोनों को मिला इराक और सीरिया के मसले पर हम नहीं जा रहे, हम मानवता की बात कर रहे हैं। हम पूरा जो प्रोग्राम हमने रखा है वो मानवता पर रखा है कि क्या किसी धर्म के अंदर इस तरीके से मानवता को कत्ल किया जा सकता है, क्या इस्लाम धर्म के अंदर, क्या इस्लाम धर्म के अंदर इस चीज की इजाजत दी गई है? मैं सिर्फ मोटे तौर पर आपका स्पष्टीकरण चाहता हूँ, क्या तालिबान और आईएसआईएस का नजरिया ठीक है? अमेरिका के साथ उसके नजरिए को जोड़कर देखा जा सकता है, ये बताइए। इस्लाम धर्म में कतन इजाजत नहीं है कि एक मासूम का किसी का खून बहे। आप ये फिर कैसे कह सकते हैं कि अगर अमेरिका इस तरीके के जघन्य अपराध को रोकने के लिए बमबारी करता है तो अमेरिका और आईएसआईएस का नजरिया एक हो गया? रोकने के लिए बमबारी करेगा वो, और उसमें जो मासूम लोग मरेंगे और आईएसआईएस मारेगा उसे, और अगर वो आईएसआईएस मारेगा, आईएसआईएस लोगों को बिठाकर गर्दन ही काटेगा, जिंदा दफना देगा, उसे क्या कहा जाएगा? अगर वो नूरी मालकी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, अगर वो, तो उसको आने की क्या जरूरत है? अगर वो बशार के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने 10 लाख मासूमों को इस वक्त मार दिया है, तो उसके खिलाफ अगर ये लोग खड़े हुए हैं तो उसको आप गलत नहीं कहेंगे? अमरीका वहां पर क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा है सीरिया के अंदर? वो क्यों नहीं असद को उखाड़ फेंक रहा है? कर्नल कजाफी उसके खिलाफ था तो उसको उखाड़ के फेंक दिया 2 मिनट के अंदर में, लेकिन सीरिया में क्यों नहीं वो उखाड़ फेंक रहा है? वो क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा है? दत्ता साहब के पास चलते हैं। दत्ता साहब, ये स्पेसिफिकेशंस यही इसी तरीके से होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही पेचीदा चीज है और थोड़ा सा विस्तार से चीजों को कहना चाहूंगा। गद्दाफी की जहां बात आती है, गद्दाफी ने, कर्नल गद्दाफी ने जो कुछ किया था अमेरिका के विरोध में शुरू से ही रहा है वो, और वो तेल का एक बहुत बड़ा कारण था जिसके चलते अमेरिका को वहां पे कब्जा जमाना था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गद्दाफी ने वहां पे जेनोसाइड नहीं किया है। गद्दाफी के मरने के बाद जिस तरह के मास ग्रेव्स वहां से निकल के आए हैं, सरेआम वो साबित करता है कि जिस तरह का बर्बरतापूर्ण वो नरसंहार किया था। जहां सद्दाम हुसैन की जहां बात आती है, सद्दाम हुसैन के बाग पार्टी ने और बाग आर्मी ने जिस तरह के कुर्दिश लोगों का और बाकी जितने सारे अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं जो इस्लाम को ही मानते हैं, दूसरे मतलब कि रीजन के लोगों को, उन लोगों का जिस तरह से बर्बरतापूर्ण नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, वो भी उतना ही गलत है जितना कि अमेरिका ने जो कुछ किया है और जिस तरह से तख्तापलट हुआ है, वो भी अपने आप में बहुत ही घिनौना चीज है। जहां सीरिया लेबनन की बात आती है, सीरिया लेबनन पे भी यही इसी तरह की चीजें हैं और इस
इसके चलते ही शुरुआत हुआ है। पर हाँ, हम लोग इस पूरे चीज को अगर इसका पूरा अगर निष्कर्ष निकलना है और समाधान अगर निकलना है, मैं खुद मानता हूं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच पे जो पेचीदा विवाद है उसका भी समाधान निकालना बहुत आवश्यक है। इसराइल जो कुछ वहां पे कर रहा है फिलिस्तीन में और जिस तरह से बम्बार्डमेंट हो रहा है उसका भी कहीं पर इजाजत नहीं है, और वो भी उतना ही मानवता के विरोध है जितना आईएसआईएस कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर गलत करे तो उस गलती को गलती से जस्टिफाई किया जाए, ठीक है। चाहे तालिबान अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआई कर रहा है, अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस आपके जो मोजाट है जो इसराइल के, वो भी उसी तरह का काम करता है। यहाँ पे आवश्यकता है कि शांति बहाल करने के लिए और शांति लाने के लिए सारे चीजों को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को मिलकर एक साथ कैसे आएगा। बिल्कुल 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 आरबी शर्मा साहब, बिल्कुल आरबी शर्मा साहब, अमेरिका कितना उत्तरदायित्व है, अमेरिका का कितना उत्तरदायित्व है, और साथ ही साथ अमेरिका की जो अगर पूरे इस प्रकरण में देखा जाए कितनी हिस्सेदारी है। इसके दो पहलू हैं। पहला ये आज का जो विषय है वो ये है कि इसमें राजनीति कम और धर्मीकरण ज्यादा है। बिल्कुल। और ये जो ये आईएसआई जो कर रही है वो धर्म की दृष्टि से कर रही है, अमेरिका जो है वो राजनीति और कूटनीति की तरफ से कर रहा है। अभी जो ये मामला छिड़ा हुआ है इसमें अमेरिका की भागीदारी कम और आईएसआई की जवाबदेही ज्यादा है, इसलिए जब तक उनको कंटेन नहीं किया जाएगा और उनको ये जो वो कर रहे हैं इससे रोका नहीं जाएगा उस वक्त अमन और शांति होनी बहुत उम्मीद नहीं है। ठीक है इजाज़ साहब, वापस मैं आता हूं, एक मिनट। मेरा सवाल ये है कि मान लिया आपकी बात को मैं तवज्जो देता हूं, आपने कहा कि अमेरिका जो है इन तमाम चीजों के पीछे है, आरबी शर्मा साहब जो है और जो हमारे गेस्ट बाकी हैं वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने शुरुआत जरूर करी है, लेकिन अगर 1% के लिए ये कह भी दिया जाए अमेरिका की तरफ से जो किया जा रहा है गलत किया जा रहा है, तो सवाल यह है कि आईएसआईएस ठीक कर रहा है? आईएसआईएस अगर इस तरीके के जघन्य अपराध करता है या इस तरीके के कृत्य करता है तो उसे ठीक कहा जाएगा? आप गर्दन काटने का जो वापसी है गर्दन काट कर ही देने वाले हैं, और गर्दन कट किसकी रही है? नहीं, मैं इस बात से मतलब इस बात को कबूल करता हूं कि ये यकीनन अगर कहीं पर गलती हो रही है किसी से तो गलती का जवाब गलती से नहीं दिया जा सकता। अमेरिका अगर गलती कर रहा है वहां पर, अगर वो दहशत फैला रहा है वहां पर, वो बर्बरिज्म कर रहा है, तो उसका जवाब इस तरीके से नहीं दिया जा सकता कि किसी इनोसेंट को मारा जाए, चाहे वो कहीं पर वो माइनॉरिटी में हो या किसी भी चीज में, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या रीजनल माइनॉरिटी हो या जैसी भी माइनॉरिटी हो, किसी के खिलाफ जो है जुल्म नहीं किया जा सकता, और ये इस्लाम में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमें ये इस चीज को सीरियसली देखना होगा कि आईएसआईएस जब बहुत तेजी से फैला रहे थे, अमेरिका आराम से खामोश बैठा हुआ था, और उस वक्त वहां डायरेक्टली अमेरिका का बयान आ रहा था कि जब हमारे इंटरेस्ट पर आएगा या हमारे अंदर किसी तरीके का इंटरफेयर किया जाएगा तब जाकर के हम हमला करेंगे। अब ये आईएसआईएस पांव फैलाता फैलाता उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर अमरीकी कंट्रोल है, जहां पर तेल का जखीरा है, जहां पर पूरी 100% अमरीका के लोग रहते हैं, अमरीकी आर्मी रहती है। जब ये वहां पहुंचने के करीब आ गया है तब अमरीका अब देखा कि नहीं है तो अब हमारे इस पर जो है मफाद में आ चाह रहा है, तब जाकर के ये बमबारी शुरू किया है। आप ये देखिए कि इसको फैला कौन रहा है, तालिबान था, तालिबान की शुरू में हिमायत किसने की थी? अमेरिका ने की थी। तालिबान का को जो है ओसामा बिन लादन किसके एजेंट थे शुरू में? अमेरिका के एजेंट, अमेरिका ने उसको आगे बढ़ाया था। तो ये चीज आपको देखनी होगी कि शुरुआत कहां से है, खून खराबा कौन फैला रहा है और किस नीयत के साथ फैला रहा है। इसलिए आपको ये आलमी गेम जो जिस तरीके से ग्लोबल गेम है या ग्लोबल चैलेंजेज है उसे भी हमें देखना होगा। सिर्फ एक सिरे से हम देख करके कि वहां पर जो है अमरीकी बर्बरिज्म के खिलाफ अगर कुछ लोग खड़े हो गए हैं और वो जुल्म कर रहे हैं तो हम उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली नकार दें और उसके खिलाफ जितना कुछ जितना गाली बक सकते हो बक दें, जो कुछ भी कहना हो कह दें, और अमेरिका को हम जस्टिफाई करते ना, ये चीज हमें ये बिल्कुल ही गलत है। अभी तक के अपने पूरे कार्यक्रम में या जो भी कुछ उन्होंने किया है आईएसआईएस ने, अब तक अमेरिका को कहां नुकसान पहुंचा है इजाज साहब? कहां पर अमेरिका के खिलाफ उनका कदम देखने को मिला? आप बार बार इस चीज की वकालत कर रहे हैं कि अमेरिका ने इन तमाम चीजों को बोया है, हम भी कह रहे हैं कि अमेरिका इसकी शुरुआत में रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आईएसआईएस की तरफ से अमेरिका को कब नुकसान पहुंचाया गया? अपने ही देश के, में ये अपने ही धर्म के, अपने ही धर्म के लोगों को मारा गया, सिया सुन्नी का झगड़ा शायद शुरुआत में उठाया गया, उसके बाद यजीदियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और सवाल अमेरिका पर उठाया जा रहा है। ये आईएसआईएस को इतना मजबूत अमेरिका ही होने दिया, अगर ये आज बमबारी क्यों कर रहे हैं, ये एक महीना पहले क्यों नहीं किया इसने? आज से तो आईएसआईएस नहीं फैल रहा है क्योंकि वो दूसरे देश का हस्तक्षेप है,
और दूसरे देश का मामला है, अमेरिका ने यह कहा था कि जब तक आप ही ने इस बात को दोहराया, जब हमारे इंटरेस्ट पर बात आएगी तो हम करेंगे, वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट पर बात आएगी, अपने इंटरेस्ट इन द सेंस मानवता के लिए नहीं कर रहा, मतलब अब मानवता के ही लिए ही है वो, एक अब मानवता के लिए ही है, पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो भारत 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 इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत वहां जाकर अटैक तब तक नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर ये चीज नहीं आ जाती है कि नहीं अब हम जाके वहां मानवताओं को बचाना है। किसी देश का खुद का स्वतांत्रिक किसी देश का खुद के स्वतांत्रिक अधिकार भी होते हैं, उसको लेकर वहां की सरकार को छूट दी गई थी। अब हालात ये हो चुके हैं कि वहां की सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, अब अमेरिका वहां पर हस्तक्षेप कर रहा है। दत्ता साहब आपका भी अब जो हालात बन रहे हैं उस पर आप इस पर टिप्पणी करें। जी मुझसे पूछ रहे हैं जी दत्ता साहब, मैं समझता हूं कि जैसे मैंने कहा है कि बहुत ही पेचीदा मामला है पूरे पश्चिम एशिया का, और मैं समझता हूं कि अल्टीमेट अगर समाधान अगर निकालना है तो फिलिस्तीन का जो मसला है उसका समाधान निकालना पड़ेगा, और उसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन को टेबल पे आना ही पड़ेगा, बातचीत करना होगा, और उस पे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का जो मध्यस्थता है वो मध्यस्थता की आवश्यकता है, क्योंकि तभी जाके शांति कायम हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस हिसाब से वहां पे नरसंहार फैल रहा है पूरे उत्तर अफ्रीका से लेके पूरे आपके पश्चिम एशिया तक, और जिस तरह के दहशतगर्द जिस हिसाब से मॉडर्न वेपन्स लेके और सरेआम दहशतगर्दी फैला रहा है और कत्लेआम कर रहा है बर्बरतापूर्ण, वो कोई समाधान नहीं है चीजों का। मैं मानता हूं कि सारे चीजों का समाधान बातचीत के माध्यम से निकल सकता है, अमेरिका को भी बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है, दुनिया में हर कोई जानता है हर जगह पे जो कहीं ना कहीं पे अगर विवाद है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पे अमेरिका का हाथ है, और इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता है, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस सच्चाई का मुकाबला करने के लिए आप सरेआम नरसंहार करो, सरेआम कत्लेआम करो, जिस तरह का चीजें हो रहा है वहां पे, चाहे वो आपके मिडल ईस्ट से लेके अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक, और जिस हिसाब से माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, लेबनन हो, लीबिया हो, इजिप्ट हो, अल्जीरिया हो, तुनिशिया हो, कितने मुल्कों का नाम ले जहां पे नरसंहार चल रहा है, तो वो नरसंहार के चलते जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मतलब कि एक तरह से पलायन कर रहे या फिर भागने के दौरान भी जो उनको मारा जा रहा है, उनके जो धार्मिक स्थलों को जो बर्बाद किया जा रहा है, इसको भी दुनिया एक गांधारी जैसे सोच अपना के नहीं देख सकती है, इस पे भी कहीं ना कहीं पे कदम उठाने की आवश्यकता होने की जरूरत है। यहां पर आरबी शर्मा साहब, अब इलाज क्या बचता है अगर इस तरीके से मानवता की हत्या की जाएगी, तो इलाज क्या है पूरे विश्व के सामने अगर ये संकट है तो? पहली बात तो ये है, दत्ता जी ने जो बात कही उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, इस सारे प्रॉब्लम को अगर हम पैलेस्टीन और इजराइल के साथ ही जोड़ के देखेंगे तो वो दुरुस्त नहीं होगा। ये दो अलग अलग पहलू हैं। जो समस्या तालिबान ने और आईएसआई ने शुरू की है, इसके लिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लामबंद होकर इनको रोकना होगा और इनकी कमर तोड़ शिकस्त करनी होगी, उसके बाद ही किसी किस्म की शांति इस पूरे रीजन में आ सकती है। इजाज साहब, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, ये बाहर के कभी भी जो है किसी भी समस्या का समाधान उसी वक्त होता है जब उसके घर के लोग खुद बैठ करके हल करते हैं। जहां भी बाहर से इंटरफेरेंस होगा इस तरह का, कि वहां अफरा तफरी का माहौल होगा और वहां इस तरह की खाना जंगी शुरू होगी ही। अब हम देख रहे हैं कि 2002 से जो है जंग कंटिन्यू चल रही है अफगानिस्तान के अंदर में, वहां आज तक जो है नाटो की पूरी ताकत लग गई लेकिन वहां जो है हम अमन कायम नहीं कर सके। इराक के अंदर कब से लड़ाई चल रही है लेकिन वहां आज तक हम अमन कायम नहीं कर सके। कोई भी कंट्री आज की डेट में, कोई भी वहां पर का शहरी जो है किसी भी बाहरी फौज को या बाहर के लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज 20वीं 21वीं सदी में इसको आईएसआईएस को क्या इराकी लोग एक्सेप्ट करेंगे? आईएसआईएस कोई बाहर के लोग नहीं है, इराक के लोग हैं, सीरिया के लोग हैं। नहीं, वो कहीं के भी हों, कहीं के लोग क्या इराक के लोग करेंगे? इराक के लोग हैं, वहीं के लोग हैं, वहां के लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? इजाज साहब, वो तो वहां के लोगों पर डिपेंड करता है कि वो लोग अगर वो लोग आपके लिहाज से नहीं, हमारे लिहाज से तो अगर वो वाकई इस्लामी संगठन है और इस्लामी तंजीम है और कुरान और हदीस के मुताबिक चलते हैं, जैसा कि मैंने उनकी स्पीचें सुनी है जुमा के, मैंने
जो है जो जुमा के खुतबे में उनकी तकरीरें बगदादी की जो तकरीरें मैंने सुनी है यूट्यूब के ऊपर सारी तकरीरें हैं और जो मैंने सुनी है कहीं पर उसने नरसंहार की बात नहीं की, कत्लेआम की बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं। इजाज साहब क्या बात कर रहे हैं आप? इजाज साहब उनके जो स्पेसिफिकेशन जो सामने आई है उन्होंने क्या कहा है उनके तमाम चीजों के अंदर? अगर वो खड़े होकर स्पीच नहीं दे रहे तो उसका मतलब वो नरसंहार नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर कर रहे हैं तो यकीन वहां के अगर फिर वही अगर वाली बात आ जाती है, अगर वाली सिचुएशन कहां बचती है जाज साहब? उनकी तरफ से खुद ये स्पेसिफिकेशन दिए जा रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ ये किया जाएगा। पत्रकारों को खुद मारा जा रहा है, सारी यूट्यूब पर पूरी इंटरनेट की दुनिया में वो तस्वीरें छाई हुई हैं, उसके बावजूद आप अगर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आईएसआईएस को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये होता है कि सामूहिक अलल ऐलान जो है वो उनकी जो स्पीच होती है वो असल स्पीच होती है, जो बजाबते वो जुमा के दिन जो है जुमा की नमाज से पहले वो स्पीच देते हैं। अगर जुमे की नमाज के दिन एक व्यक्ति, अगर जुमे की नमाज के दिन एक व्यक्ति अगर सही भाषण देता है, अगर उसामा बिन लादेन उस दिन ठीक भाषण देता है, तो क्या आप उसे सही ठहरा देंगे? नहीं, उसके अलावा अगर कोई गलत, कोई भी गलत कदम को गलत क्यों नहीं कहेगा आदमी? सवाल फिर यही तो है, वो गलती सामने तो आए ना, कोई गलती अगर एक आप ये कह रहे हैं कि जितने उनकी तरफ से भाषण आए हैं, जितनी टिप्पणियां आई हैं, उनमें उन्होंने इस तरह की बात नहीं की है, लेकिन सवाल यही है कि अगर क्या सिर्फ जुमे की नमाज के दिन अगर इस तरह की टिप्पणी कर दी जाती है तो उसे क्या सही ठहरा दिया जाएगा? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल यही है और यही सवाल बार बार उठता है कि क्या मानवता की इस तरीके से हत्या की जाती रहेगी और क्यों वो तमाम लोग जो मानवता को बचाने की बात करते हैं उन तमाम संगठन आगे नहीं आ रहे हैं? क्यों मुस्लिम देश जिनका इसमें कहीं ना कहीं उनके उत्तरदायित्व बनता है इस तरीके के या संगठनों को रोकने का, उनकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है। इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।